शरखी में तो पता नहीं भद्रवा शरखी में कब ये रोड पहुंचेगी वो तो पता नहीं है लेकिन ये दो किलोमीटर भी ठीक नहीं कर पा रहे हैं सर ये देखो लोगों की बागें इन्होंने उजाड़ दी मलबा डाल डाल के जहाँ डंपिंग थी वहाँ डंपिंग नहीं की मतलब इन्होंने कोई भी काम ढंग का नहीं किया ठेकेदार ने लेकिन वो तो आर एन वो तो डिपार्टमेंट के साथ मिल के ही नहीं किया ना काम अब देखो यहाँ नालों की हालत देखो ये रोड की अब सर पंद्रह अगस्त भी आ रहा है दो तीन दिन का आज ग्यारह तारीख है पंद्रह अगस्त पे आ रहे हैं बच्चे कैसे जाएंगे या दूसरे लोग कैसे जाएंगे पंद्रह अगस्त सेलिब्रेट करने वहाँ से मोदी सरकार बोलती है कि पंद्रह अगस्त सेलिब्रेट करना ही करना है जनाब देखें जरा इधर के लिए कैमरा लगाएं कैसे जाएंगे इधर से कैसे चलेंगे यहाँ तो यहाँ तो कोई कंडीशन ही नहीं है चलने की यहाँ तो कोई पत्थर आएगा कुछ और होगा स्लिप हो जाएगा बंदा तो मर जाएगा दूसरी बात यह है सर कि हमने इस रोड पर ही आगे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वालों से भी रिक्वेस्ट की थी वहाँ एक डंपिंग स्टेशन बनाया हुआ है उसके लिए पूरे आवाम ने भी रेजोलेशन वग़ैरह भी दिया है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को कि यहाँ एक पब्लिक पार्क बनाई जाए ठीक है रेंज uh, ऑफिसर uh, से मेरी बात भी हुई थी और रेजोलेशन भी दे दिया है तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से मैं यही रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि वो पार्क थोड़ी जल्दी ही अप्रूवल की जाए और वो पार्क बनाई जाए तो जनाब मैं डी साहब डोडा एल एडमिनिस्ट्रेशन और एडमिनिस्ट्रेशन भलेसा uh, से यही रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि कम से कम अगर और रोडों पे जैसे बारिश हुई अब बारिश तो नेचर का ही कहर बरस रहा है इस बार लेकिन अगर दूसरी दूसरी रोडों पे मशीन उसी वक्त तुरंत पहुंच जाती है कम से कम उस वक्त नहीं भी पहुंचे तो दूसरे दिन तो कम से कम इस रोड का भी ख्याल रखा जाए यहाँ भी लोग ही बसते हैं यही मेरा आर डिपार्टमेंट से भी यही रिक्वेस्ट रहेगी कि इस रोड को जल्दी से जल्दी तामीर किया जाए और जिन लोगों का भी ये नुकसान हुआ है चाहे बाग का हुआ है किसी का मकान का होने वाला है किसी को पानी निकल रहा है किसी के बस आने वाला है नीचे रोड में फटाफट प्रोटेक्शन वर्क लगाए जाएँ सर अगर रोड खुली होगी तो जिस ठेकेदार ने ये टेंडर लिया हुआ है प्रोटेक्शन वर्क का एमरजेंसी वाला वो मटीरियल कहाँ से ला जब लाएगा जब रोड ही बंद है लाएगा कहाँ से गाड़ी कहाँ से आएगी इधर तो इंसान को चलना भी मुश्किल हो गया है तो यही सर ठेकेदार से भी मेरी यही रिक्वेस्ट रहेगी कि जिसका भी ये ठेका है ये ठेका एक महीने में पास नहीं होता है और तो वो भी मशीन फ़टाफट भेजें और ए डब्ल्यू गुंदो से भी यही रिक्वेस्ट है कि जनाब आप थोड़ी सी मेहरबानी करें हम गरीब लोगों को पे पे भी और इस रोड को फटाफट कंप्लीट किया जाए सर थैंक यू शुक्रिया आज हमारे पास वहाँ काम है जी वहाँ काम है जी डिपार्टमेंट खुद करेगा जी अब हम टेंडर देंगे जी वो करेंगे जी उस वक्त लोगों मतलब उन्होंने ये मलबा दबा लिया तो अब लोगों के मकान गिरने शुरू हो रहे हैं पानी अंदर आ रहा है जी तो क्या है। बस हमारा यही है कि जो ये रोड है ये खाली करे ये मलबा उठाए यहाँ से डंगे दे दें लोगों के जो प्रोटेक्शन इसमें ये हमारा पूरा करे अगर ये सड़क बनाने लगे तो कहने लगे जी हम सड़क बनाएंगे ये करेंगे वो करेंगे आपके मकानों को प्रोटेक्शन करेंगे कोई इस वक्त तक कोई प्रोटेक्शन नहीं हुई कोई कुछ नहीं हुआ पहले हम गला लाते थे यहाँ खचरों पर अब कहते हैं नहीं जी रोड है आपको तो आप उठाना पड़ता है हमें विश्राम से गला ये आप इस अवाम से भी आप दिराफत कर सकते हैं सही बात है मैं एक एज ए डीलर हूँ यहाँ का मैं झूठ भी बोल सकता हूँ लेकिन अवाम तो नहीं बोलेगी झूठ तो हमें इतनी दिक्कत आ गई कि ये नाले सब बंद हैं ना कोई कीयर है इसकी ना कोई बना रहा है कहते जी कल आएगी मशीन परसों आएगी मशीन ना हमें वो मशीन देखी हमारे जो भी है ज़मीन वो भी टूट गई रास्ते हमारे वो भी टूट गए तो कहते हैं कल बनाएंगे परसों बनाएंगे वो कल नहीं आ रहा है ये फरवरी से ये काम चला है और आज ये छः सात महीने हो गए अभी तक हमारा अभी तक काम कुछ नहीं हुआ है जनाब मैसेज उनके तक ये मैसेज रहेगा अगर इस सड़क को बनाना है तो बनाएं फौरी पेश तर अगर नहीं बनाना है तो हमें ये तहस नहस कर दिया इधर मकानों से भी महरूम कर दिए हम देखने की बात है आंखों की देखने का हाल है ना हम अंक अन... लिया था तो दो तीन दिन यहाँ मशीन खड़ी रह गई उसके बाद दलीप साहब यहाँ आए उन्होंने बोला कि भाई मशीन को आगे जाने दो कोई भी आपकी समस्या दिक्कत होगी होगी तो उसके लिए हम यहीं बैठे हैं उसके बाद उन्होंने धोखे से हमारे से यहाँ मतलब रोड निकाल दिया मशीन को आगे कर दिया जितना भी मलबा था वो दबा लिया इन्होंने यहाँ उसके बाद देखो ऊपर की क्या हालत है ये हालत हो गई यहाँ तो यहाँ पे कोई पूछताछ नहीं हो रही इसकी उस वक्त हमने उनको ये मतलब हमने अपना फैसला रखा था इसलिए मशीन को हमने रोका था कि भाई आपसे अगर ये काम होता है तो पूरा कर दो अगर आधा रखना है तो रहने दो यहाँ पर बहुत रिस्क का, का काम है लेकिन उन्होंने ये समझौता दिया कि नहीं जी हम मतलब इसको यहाँ पर डंगे देंगे सीमट जहाँ कहीं पड़ा हुआ है सड़कों में वो सेट भी हुआ है और अब वो डैमेज सीमट यहाँ पर लगेंगे क्या वो डंगे ठहरेंगे डैमेज वाले सीमट में यहाँ पर डंगे और मकानों को भी खतरा है माल मवेशी को भी खतरा है और यहाँ पर जितने भी छोटे बच्चे स्कूल में जाते हैं उनको स्कूल में जाना बंद हो गया है यानी बच्चों की पढ़ाई भी छूट रही है ये सड़क का हमें क्या फायदा है सड़क से तो डेवलपमेंट होनी चाहिए थी कि डेवलपमेंट के बदले में मतलब माल मवेशी यहाँ पर फासी जाए और ये छोटे छोटे बच्चे ये स्कूल छोड़ दें कोई हफ्ते के बाद बचा जाता है रास्ता ही नहीं है बहुत दस्ती करके मतलब यहाँ पर हम लोगों को परेशान करके रखा है हमें एल जी इंतजामिया से मतलब ये हम फरियाद करते हैं कि वो यहाँ पर इसके बारे में मतलब पूरी इंक्वायरी करें